Yes, student, today we will continue the chapter wedding in Brownsville, short stories. और इसमें जो है अभी तक हमने पढ़ा कि जो है हस्बैंड वाइफ थे डॉक्टर मार्गलिन एंड ग्रेटेल हिज वाइफ एंड डॉक्टर मार्गलिन हैव टू अटेंड द मैरिज पार्टी. पर ग्रेटेल तैयार नहीं थी इसके लिए, वो नहीं जाना चाहती थी, वो थकना नहीं चाहती थी, इसलिए जो उसने मना कर दिया. तो उसको अकेले जाना था, वो ड्राइव करने में जो है इंटरेस्टेड नहीं था, तो उसने टैक्सी ले जाना स्वीकार किया और टैक्सी में वो जा रहा था. मौसम का आनंद लेते हुए इसके आगे का हम आगे पढ़ेंगे. ऑन ईस्टर्न पार्कवे द टैक्सी वॉज जॉल्टेड एंड स्क्रीज सडनली टू स्टॉप. सम ट्रैफिक एक्सीडेंट अपरेंटली. द सायरन ऑन पुलिस कार श्रीक. अ व्हीलिंग एम्बुलेंस न्यू डेयर. डॉक्टर मार्गलिन ग्रीमेस. अनदर विक्टम. समवन मेक्स ए फॉल्स टर्न ऑफ द व्हील. एंड ऑल ए मैंस प्लान्स इन दिस वर्ल्ड आर रिड्यूस्ड टू नथिंग. A wounded man was carried to the ambulance on a stretcher. Above a dark suit and blood-spattered shirt and bow tie, the face had a chalky pallor. One eye was closed, the other partly open and glazed. Perhaps he too had been going to a wedding. Dr. Mugling thought he might even have been going to the same wedding as I. Sometime later, the taxi started moving again. Solomon Mugling was now driving through streets he had never seen before. It was New York, but it might just as well as have been Chicago or Cleveland. They passed through an industrial district with factory buildings, warehouses of coal, lumber, scrap, iron. Negroes, strangely black, stood about on the sidewalks, staring ahead, their great dark eyes full of gloomy hopelessness. Occasionally, the car would pass a tavern. The people at the bar seemed to have something unearthly about them, as if they were being punished for sins committed in another incarnation. Just when Solomon Mugling was beginning to suspect that the driver, who had remained stumbly silent the whole time, had gotten lost, or else was deliberately taking him out of his way, the taxis entered a thickly populated neighborhood. They passed a scene-on, a funeral parlor, and there ahead was a wedding hall, all lit up with its neon Jewish sign and Star of David. Dr. Mugling gave the driver a dollar tip and man took it without uttering a word. Dr. Mugling entered the outer lobby. Immediately, the comfortable intimacy of the seminars engulfed him. All the faces he saw were familiar, though he didn't recognize individuals. Leaving his hat and coat at the check room, he put on a skull cap and entered the hall. It was filled with people and music, with tables heaped with a food bar stacked with bottles. अब इसमें देखिए, जैसे वो जा रहा था तो एकदम से जो है मौसम का जो है परिवर्तन देख रहा था, और उसको ये एहसास हुआ जैसे जैसे वो जा रहा था कि एकदम से जो है पूर्वी रास्ते पर जब वो जा रहा था, टैक्सी जो इसकी झटका देकर हिली और चीख कर अचानक तेज ब्रेक के साथ रुक गई. कोई सड़क दुर्घटना हो गई थी, उसने ये सोचा. पुलिस गाड़ी भी आ गई थी, सायरन भी था, और एक तरह से जो है यहाँ पर जो वर्ड्स यूज लिया, एक कराती हुई एम्बुलेंस आई. डॉक्टर मार्गलिन ने जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट कम दिखाया. एक और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति, उसने यही सोचा कोई व्यक्ति मोड़ पर गाड़ी को गलत तरीके से घुमाता है और मनुष्य की सारी योजना एकदम से नष्ट हो जाती है. एक घायल आदमी को स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस के पास ले जाया गया. ऊपर गहरा सूट और खून से सनी कमीज थी, कॉलर टाई पहने हुए उसके चेहरे पर चौक जैसा पीलापन था. उसकी एक आँख बंद थी, दूसरी कुछ खुली थी और चमक रही थी. शायद वह भी किसी शादी समारोह में जा रहा था. डॉक्टर मार्गलिन ने सोचा वह भी शायद उसी शादी पार्टी में जा रहा होगा जिसमें कि मैं जा रहा हूँ. उसने ये एक्सीडेंट देखा और उसका जो है वो सोच रहा था उसके बारे में. कुछ समय पश्चात टैक्सी फिर से चलने लगी. सालोमन मार्गलिन जब उन गलियों में से जा रहे थे जिन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, वो न्यूयॉर्क था, परंतु शिकागो या क्वीलैंड जैसा लग रहा था. वे एक औद्योगिक जिले के पास से गुजरे जिसमें फैक्ट्रीज की इमारतें थी, कोयले के गोदाम थे, लकड़ी के लट्टे थे, लोहे की छीलन आदि थे. अजीब प्रकार के काले रंग के जो है निग्रो साइड में खड़े थे और एक और टकटकी लगाए देख रहे थे. उनकी बड़ी बड़ी काली आंखों में उदासी है, निराशा थी. कभी कभी शराब खाने के पास से गुजरती बार में बैठे ऐसे लोग दिखाई दे रहे थे जैसे उनका अजीब हो रहा, जैसे जिस रास्ते से वो जा रहा था उस रास्ते का ये वर्णन बता रहा है, जैसे उन्हें किसी दूसरे जन्म में किए गए पापों की सज़ा मिल रही हो.
उसी समय सॉलोमन को संदेह होने लगा कि ड्राइवर जो जानबूझकर सारे समय एकदम चुप रहा था वो कहीं खो गया था या जानबूझकर उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रहा था। उसको ये चीज़ महसूस हुई। गाड़ी ने एक सघन आबादी वाले क्षेत्र में प्रवेश किया। वे यहूदियों का एक प्रार्थना स्थल था। अंत्येष्टि क्रिया संबंधित एक पार्लर या दुकान के पास से गुजरे और उससे आगे शादी समारोह स्थल था जो नियॉन लाइट का यहूदी चिन्ह और डेविड के सितारों से जिसे यहूदी शुभ मानते हैं सारा के सारा स्थल जगमगा रहा था क्योंकि वह अब उस गंतव्य स्थान पर पहुंच गया था। डॉक्टर मागली ने ड्राइवर को एक डॉलर टिप दी और उस आदमी ने जो ड्राइवर था एक भी शब्द बोले बिना वह डॉलर ले लिया। अब वो जब वहाँ पहुँचा प्लेइंग एन इजरायली मार दैट वॉज ए हॉच पॉच ऑफ अमेरिकन जज विद ओरिएंटल फ्रेशेस मैन वर डांसिंग विद मैन वुमेन विथ वुमेन मैन विथ वुमेन ही सॉ ब्लैक स्कल कप वाइट स्कल कप्स बियर हैड्स गेस्ट कीप अराइविंग पुशिंग देयर वे थ्रू द क्राउड सम स्टिल इन देयर हैड्स एंड कोट्स मंचिंग हॉर्स डेवर्स ड्रिंकिंग स्नैप द हॉल रिसाउंडेड विथ स्टैम्पिंग स्क्रीमिंग लाफिंग क्लैपिंग फ्लैश बल्ब्स वेंट ऑफ ब्लाइंडली एज द फोटोग्राफर्स मेड देयर राउंड्स सीमिंग टू कम होम फ्रॉम नाउ ओवर द ब्रिज अपीयर बेसिकली स्वीपिंग अप अ ट्रेन फॉलोड बाई ए रेटन्यू ऑफ ब्राइड्समेड्स पीपल डॉक्टर मागली न्यू एवरीबडी एंड येट नो नो बडी पीपल स्पोक टू हिम लाफ ड्रिंक एंड वेव एंड ही आंसर्ड ईच वन विद ए स्माइल इन नॉट अ बो ग्रेजुअली ही थ्रू ऑफ ऑल हिज वरीज ऑल हिज डिप्रेशन ही बिकेम हाफ ड्रंक ऑन द एमलगम ऑफ ऑर्डर्स फ्लावर्स सॉर्क्रोट गार्लिक परफ्यूम मस्टर्ड एंड That nameless order that only sinsimners emit. Hello, doctor, hello. Slowman David. You don't know, recognize me, eh? Look, he forget. They were the encounters, the regrets, the reminiscence of long ago. But after all, weren't we neighbors? You used to come to our house to borrow the Yiddish newspaper. Someone had already kissed him. A badly shaven snout, a mouth reeking of whiskey and rotten teeth. One woman was so convulsed with laughter that she has lost an earring. Margaline tried to pick it up, but it had already been trampled underfoot. You don't recognize me, ye. Take a good look. It's Jizzle, the son of Chai Bai. Why don't you eat something? Why don't you have something to drink? Come over here. Take a glass. What do you mean? Whiskey, brandy, cognac, scotch, with soda. With Coca-Cola. Take some. It's good. Don't let it stand. So long as you are there, you... Might as well enjoy yourself. My father, he was killed. They were all killed. I am the only one left of the entire family. Barish, the son of Favish, starved to death in Russia. They sent to Kazakhstan. His wife in Israel, she married a Lithuanian sorrel shot. Together with her children, until here at the wedding, she was standing here just a moment ago. There she is dancing with that turn fellow. अब्राहम जिलस्टीन दे बर्न हिम इन द अब जो है आगे डॉक्टर मॉगलिंग ने जो है प्रवेश किया उसमें बाहरी लॉबी में और तुरंत सेंसिमिनर लोगों के आरामदायक आत्महत्या ने उन्हें घेर लिया यानी लोग उन्हें पहचानने लगे। सारे चेहरे जो उसने देखे परिचित थे यदि पे व्यक्तिगत रूप से उन्हें नहीं जानता था। चेक रूम में अपने कोट और हैट को छोड़कर उसने सिर पर टोपी पहनी और हॉल में दाखिल किया। एक्चुअली वहाँ पर एक ट्रेंड था टोपी पहनना है ना अंदर जाते हैं होता है कई जगह। वो हॉल लोगों संगीत से भरा हुआ था टेबलों पर खाना जमा था तथा एक मदिरालय जहाँ विशेष रूप से शराब उपलब्ध होती थी शराब की बोतलों का ढेर लगा हुआ था। संगीतज्ञ एक प्रकार का इजरायली धुन बजा रहे थे जो कि अमेरिकी तीव्र स्वरों वाले जॉर्ज संगीत तथा एशिया के संगीत का एक बेहतरीन मिश्रण था। आदमी आदमियों के साथ औरतें औरतों के साथ तथा आदमी औरतों के साथ नृत्य कर रहे थे। उसने सिर पर काली टोपी सफ़ेद टोपी और नंगे सिर लोगों को देखा। मेहमान आ रहे थे भीड़ में एक दूसरे को धक्का देते हुए। कुछ लोग अभी कोटों पैट हेलमेट पहने हुए थे भोजन से पूर्व काल का भोजन ले रहे थे अनाज से बनने वाली अत्यधिक नशे वाली शराब पी रहे थे। हॉल लोगों के चलने तेज तेज बातों से हंसने और तालियों की आवाज़ से गूंज रहा था। जैसे ही फोटोग्राफर्स ने अपना कार्य शुरू किया फ्लैशलाइट चकाचौंध पूर्ण हो गया। अचानक पता ने दुल्हन आती हुई दिखाई दी जो कि फुर्ती से अपने स्कर्ट के पीछे वाले लंबे कपड़े को ज़मीन पर फिसलाते हुए चल रही थी और इसके पीछे दुल्हन के साथ चलने वाली लड़कियों का दल चला आ रहा था। डॉक्टर मागलिन प्रत्येक आदमी को जानते हुए भी नहीं जानते थे।
लोग उनसे बात कर रहे थे, हंस रहे थे, आंखें मटका रहे थे और हाथ मिला रहे थे और प्रत्येक आदमी का मुस्कुराकर तथा सिर हिलाकर वो जवाब दे रहे थे। धीरे धीरे उनके सारी चिंताएं तथा जो है जो भी परेशान थे समाप्त हो गए। फूल, हरी सब्जी, लहसुन, इत्र, सरसों और जो भी चीज़ें थी पता नहीं मार्गुलिन की सुगंधें खूब सारी हो गई थी, जिन्हें सिर्फ सेंसिमेंट के लोग छोड़ते हैं कि गंध के मिशन से वो अर्ध विक्षिप्त सा हो गया था, यानी वो उसको चक्कर आने लगे थे। सारी स्मेल जब एक साथ उसको सुंघाई दे रही थी, अर्थात विभिन्न सुगंधों के मिशन से वह आधे नशे की हालत में हो गया। हेलो डॉक्टर, हेलो स्कॉल में डेविड, अरे क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? देखो वो भूल गया, बहुत पहले संघर्ष हुए, पश्चाताप किए गए, संस्मरण हुए, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी क्या हम पड़ोसी नहीं थे? आप हमारे घर यहूदी भाषा का अखबार लेने के लिए आया करते थे, किसी ने उसका चुंबन कर लिया, पूरी तेरे बनाई गई दाढ़ी, शराब के दुर्गंधित मुंह और सड़े हुए दांत। एक औरत उत्तेजित होकर इतनी हंस रही थी कि उसके कान की बाली हो गई, यानी वहाँ माँ कुल मिला के वहाँ का माहौल बताया जा रहा था कि वहाँ पे कैसे कैसे लोग थे और उससे किस तरह से बिहेव कर रहे थे। मार्गुली ने उसे उठाने का प्रयास किया परंतु पहले पैरों के नीचे कुचल दिया गया। अरे आपने मुझे नहीं पहचाना, ध्यान से देखिए, यह जीजल है, छाय बीएल का बेटा। आप कुछ खाते हो क्यों नहीं? आप कुछ पे क्यों नहीं लेते? यहाँ आइए, एक गिलास लीजिए। आप क्या लेंगे? विस्की, ब्रांडी, कोकोनट स्कॉच सोडे के साथ, कोको कोला के साथ, कुछ तो कीजिए। अच्छा है, खड़े मत रहिए। सब लोग आके अलग अलग अपनी सजेशंस दे रहे थे। आप जब तक यहाँ हैं आप भी आनंद लीजिए। मेरे पिताजी वो मारे गए, वो सब मारे गए। कुल मिला के सब लोग आपस में सब तरह की बात कर रहे थे, परंतु फिर भी जो है एक युद्ध की जो विभत्स स्थिति थी वो ज़रूर उनके मुंह पे उनकी बातों में बीच में आ रही थी। जैसे ये शख्स बोल रहा था, खड़े मत रहिए, आप यहाँ तक हैं, सभी का आनंद कीजिए। मेरे पिताजी वो मारे गए, सब मारे गए, पूरे परिवार में अकेला ही बच्चा हूँ। फैलविश का लड़का बैरिश रूस में भूख से मर गया, उन्होंने उसको कजाकिस्तान भेज दिया, उसकी पत्नी इसराइल में, उसने एक लिथुनियन से शादी कर ली, सौरोली, यानी यानी उस समय का सब वो याद दिलाने की कोशिश कर रहा है जो भी शख्स है। अपने बच्चों के साथ एंटी शादी समारोह में यहाँ सभी एक पल खड़ी हुई थी, वहाँ उस लंबे मनुष्य के साथ नृत्य कर नहीं थी। अब्राहम ज़िब्लिस्तीन, उन्होंने उसको 20 अन्य लोगों के साथ यहूदियों के प्रार्थना भवन में जला दिया, यानी अब उनको पुरानी जो घटनाएं हैं वो भी ये उसको याद कर रहे थे कि उसके साथ क्या हुआ था, उसके साथ क्या हो गया था, वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, ये सब तरह की जो है वहाँ पे हॉल में जो है इनके ग्रुप में बातें शुरू हो गई थी। जो कुछ शेष बचा हुआ चारकोल का एक ढेर था, कोयला और राख। योसेल बुदनिक वर्षों पहले गुजर गया, आपका कहने का मतलब है कि योसेल बुदनिक, उसका एक तैयार खाद्य पदार्थ का स्टोर है यही ब्राउन्सविल में, जिसने एक विधवा से शादी कर ली जिसके पति ने प्रॉपर्टी के व्यवसाय में बहुत पैसा कमाया था। ए माउंड ऑफ चारकोल वॉज ऑल दैट वॉज लेफ्ट, कोल एंड एश, यसले बुदनिक, ही पास्ट अवे इयर्स एगो, यू मस्ट मीन यकले बुदनिक, ही हैज ए डेलिकेशन स्टोर राइट हियर इन ब्राउन्सविल, मैरिड अ विडो दोज हस्बैंड मेड इन फॉर्चुनेट रियल इस्टेट, लेचाइम डॉक्टर लेचाइम, स्कॉलेमेट डेविड, इट डजेंट ऑफन यू दैट आई विल कॉल यू स्कॉलेमेट डेविड, डू यू टू यू यू आर द स्टिल सेम स्कॉलेमेट डेविड, द लिटिल बॉय विद द ब्लॉन्ड साइड कर्ल्स हु रेसिटेट ए होल ट्रैक्टेट ऑफ द तलमुद बाय हार्ट, यू रिमेंबर डोंट यू, इट सीम्स लाइक ओनली यस्टरडे, योर फादर मे रेस्ट इन पीस वॉज बिगनिंग विद प्राइड, योर ब्रदर चाइम, योर अंकल ऑयजर, दे किल्ड एवरी वन, दे टुक ए होल पीपल एंड बैक देम विद अ जर्मन एफिशियंसी, जियोजिस्ट लॉल्चर, हैव यू सीन द ब्राइट येट, प्रेटी एज अ पिक्चर बट टू मच मेकअप, इमेजिन ए ग्रांड चाइल्ड ऑफ रैप्टर्स ऑफ रेडजिन एंड अ ग्रांड फादर यूज टू वियर टू स्कल कप्स वैन इन फ्रंट ऑफ एन इन बैक, डू यू सी दैट यंग वूमेन डांसिंग इन द येलो ड्रेस, इट्स अ रिवाज सिस्टर, दियर फादर वॉज मच द कैंडल मेकर, रिवा हर्सल, वेयर ऑल द अदर्स एंड अप अश्युड विज हाउ क्लोज वी केम अवर सेल, ऑल ऑफ अस आर रियली डेड, इफ यू वॉन्ट टू कॉल इट दैट वी आर एक्सटर्मिनेटेड वाइप्ड आउट इवन द सर्वलेंस डेथ इन द हर्ट, बट इट इज़ द वेडिंग वी चीयरफुल, लेट्स हाइम कॉल मी डेविड, आई वुडंट लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, हैव यू सन और डॉटर टू मैरी ऑफ, नो, वेल इट इज़ द बेटर वे दैट, वॉट इज द सेंस ऑफ हैविंग चिल्ड्रन ऑफ पीपल आर सच मर्डरर्स, इट वॉज ऑलरेडी टाइम फॉर द सर्मनी बट समवन स्टिल हैड नॉट कम, whether it was the rabbi, the cantor or one of his in-laws who was missing, nobody seemed able to find out. Abraham Michaels, the bride's father.
अब आगे देखिए, जब वो इस तरह की जो है लोग आके उससे बातें कर रहे थे, अपना परिचय दे रहे थे, उसको याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ हम तुमसे परिचित हैं, यही घटनाएं हो रही थी अभी वहाँ पे। लेछाइम डॉक्टर लेछाइम यानी आपके सच्चे स्वास्थ्य जीवन के लिए डॉक्टर, आपके जीवन के लिए। स्कॉलडाइम डेविड, डेविड का पुत्र, मैं आपको स्कॉलडाइम डेविड कहता हूँ, इससे आपको बुरा तो नहीं लगता, मेरे लिए तो तुम वही स्कॉलडाइम डेविड हो जो एक छोटा लड़का था जिसके सर के बगल में सुनहरे घुंघराले बाल थे और जिसने तलमूद यहूदियों की धर्म में कानून की किताब का पूरा ग्रंथ जुबानी सुना दिया था। यानी एक शख्स जो है उसको उसके बचपन की भी बातें याद दिला रहा था और इसने जो है बहुत महान काम भी किए थे बचपन में। डॉक्टर मार्गले ने उसने पूरा ग्रंथ जो है सुना दिया था, तलमूद वहाँ का जो था। क्या तुम्हें याद है, लगता है जैसे कल की बात हो, आपके पिताजी ईश्वर की आत्मा को शांति दे गर्व से भरे रहते थे, तुम्हारे भैया छोयम, तुम्हारे चाचा एजन, ये सब के सब मारे गए, उन्होंने सभी लोगों को समेट लिया और जर्मन कौशल से उनको साफ कर दिया। ग्लिकचेस छाछेट, जबरदस्ती पंक्ति में खड़ा करके सफाया कर दिया गया। क्या आपने दुल्हन को अभी और देखा है? अब ऐसी पुरानी बात करते करते वो वापस अपने मेन उस पर आए, दुल्हन पे। तस्वीर जैसे सुंदर लगती है परंतु आवश्यकता से अधिक मेकअप किया गया है। कल्पना करो, रजदीन के रैप टॉडरस की एक पोती और उसके दादाजी दो दो टोपियाँ पहनते थे, एक आगे और एक पीछे। क्या तुम पीली ड्रेस पोशाक में नाची उस युवती को देख रहे हो? वो रीवा की बहन है। यानी अब वो एक दूसरे को भी पहचानवाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई वो उसको पहचाना, उसको पहचाना होता ना, कई बार को क्योंकि ज़्यादा नॉलेज होती है तो वो उसको बहुत शो करने की कोशिश करता है, तो वैसे वो व्यक्ति उससे उसका जो है टाइम पास कर रहा था। ये रीवा की बहन, उनके पिताजी मोहिस एक मोमबत्ती निर्माता थे। रीवा स्वयं, वो सारे कहाँ समाप्त हो गए आश्रित, और बीच बीच में उनके जो है सारे जो कनेक्शन थे उनको वो याद तो कर रहे थे, बट मेन चीज़ यही थी उसकी जो विभत्स स्थिति थी युद्ध की, उसको भी याद कर रहे थे कि सब कुछ हमारा बर्बाद हो गया था, हम स्वयं कितने नज़दीक आ गए थे, हम सब वास्तव में मर चुके हैं, यदि कहाँ जाए तो हम सभी को समूल नष्ट कर दिया गया, सभी को साफ कर दिया गया, यहाँ तक कि जीवित रहने वाले भी अपने दिलों में मृत्यु लेकर चलते हैं। मतलब इतनी अभी तक उनके मन में डर बैठा हुआ था उस युद्ध का, परंतु ये शादी समारोह हमें प्रसन्न होना चाहिए। लेछम शाविट डेविड, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी शादी लायक बेटा या बेटी है। नहीं, ठीक है, यह तो अच्छी बात है, जब लोग इस प्रकार के हत्यारे फिर बच्चों के होने का क्या फ़ायदा। He looked strange in his rented tuxedo. A trashful mother-in-law was wrangling with one of the photographers. The musicians never stopped playing for an instant. The drum banged, the bass fiddle growled, the saxophone blared, the dances became faster, more abundant, and more people were drawn in. The young man stamped with such force that it seemed the dance floor would break under them. Small boys roamed around like goats and little girls whirled about wildly together. Many of the men were already drunk. They shouted, boasted, howled with laughter, kissed a strange woman. There was so much commotion that Solomon Margling could no longer grasp what was being said to him and simply nodded yes to everything. Some of the guests had attached themselves to him, wouldn't move, and kept pulling him in all directions, introducing him to more and more people from Saint Simon and Trashpool. A matron with a nose covered with words pointed a finger at him, wiped her eyes, called him Scolymy. Solomon Marglin inquired who she was and somebody told him. Names were swallowed up in the tumult. He heard the same words over and over again, died, shot, burned. A man from Trashpool tried to draw him aside and was shouted down by several Sensimness, call him an intruder who had no business there, a late comer arrival, a horse and buggy driver from Sensimin who had become a millionaire in New York. His wife and children had perished but already had a new wife. The woman weighed with diamonds paraded about in low cut down gown that bared a back covered with blotches to the waist. Her voice was husky. Where did she come from? Who was she? Certainly no sand. Her first husband was a slender who amassed a fortune and then dropped dead. Of what? Cancer. Where in the stomach? First you don't have anything to eat. Then you won't have anything to eat with. A man is always working for the second husband. What is life anyway? A dance on the grave. Yes, but as long as you were playing the game, you have to
abide the rules. Dr. Mowgling, why aren't you dancing? You are not among strangers. We are all from the same dust. अब देखिए इसमें आगे, रस्म का समय हो चुका था परंतु कोई था जो अभी तक नहीं आया था, यानी नेचुरल है वे शादी में गए तो दूल्हा दुल्हन का ही वेट करते हैं ना वहाँ बैठ के। यहाँ तो कोई धर्माचारी यहूदी पुरोहित था या अन्य कोई संबंधी था जो अनुपस्थित था, यानी किसी का वेट हो रहा था। ऐसा लगा कोई भी इस बात को पता नहीं कर सका। अब्राहम मिकेल्स दुल्हन का पिता जो था तेजी से आया, तेवर दिखाए और अपना हाथ हिलाया और लोगों के कानों में कानाफूसी की। वह मिकेल्स अपने किराए की डिनर जैकेट में अजीब लग रहे थे। टेरिश पोल की सांस एक फोटोग्राफर से झगड़ रही थी। संगीतकार एक क्षण के लिए भी बजाना बंद नहीं कर रहे थे, यानी वहाँ कुल माहौल जो चल रहा था उसके बारे में वर्णन कर रहा है। ड्रम तेज़ आवाज़ के साथ बज रहा था, सारंगी चीख रही थी, सैक्सोफोन गरज रहा था। नृत्य और तेज और उन्मुक्त हो गया, ज़्यादा और ज़्यादा लोग इसमें शामिल होते जा रहे थे। युवक इतनी ज़ोर से पैर पटक कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था मानो अभी मंच ही टूट जाएगा। छोटे लड़के आसपास बकरियों की तरह उधम मचा रहे थे और छोटी लड़कियां पागलों की तरह एक साथ तेज से घूम रही थी। उनमें से बहुत से आदमी पहले से शराब के नशे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हंसी की ठहाके लगा रहे थे, अजनबी महिलाओं को चुम्बन दे रहे थे। वह इतना ज़्यादा शोरगुल था कि सोलोमन मागुलिन आगे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या कहा जा रहा है, और सिर्फ प्रत्येक बात के लिए सिर हिलाकर हाँ बोलते जा रहे थे। उनमें से कुछ अतिथियों ने सैकों के साथ कर लिया, वे स्वयं आप से हिलते नहीं थे और सेंसिमन और टेरिश पोल के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से उनका परिचय कराते हुए उन्हें चारों तरफ खींच लेते थे, यानी कोई इधर उनको ले जाता कोई उधर ले जाता, और सेंसिमन और टेरिश पोल की ही बातें करते थे जहाँ उनका बचपन बीता। एक विवाहित स्त्री ने जिसके नाक पर सारी गांठें या मस्से थी उंगली से उनकी तरफ इशारा किया और आंखें पहुंची और उसे स्क्लाइम कहकर पुकारा। सोलोमन मागले ने पता किया कि वह कौन थी, किसी ने उन्हें बताया। शोरगुल में उन्हें वे नाम समझ में नहीं आया, उन्हें वही शब्द बार बार सुनाई दिए, मर गए, मार दिए, जला दिए गए। टेरिश पोल के एक व्यक्ति ने उन्हें एक और ले जाने का प्रयास किया, पर सेंसिमन के कई लोग इसे घुसपैठिया जिसका कि वहाँ कोई काम नहीं था कहते उस पर चीखने लगे। देर से आने वाला एक व्यक्ति आया जो कि सेंसिमन में एक घोड़ा और बग्घी चलाने वाला था, न्यूयॉर्क में लखमती बन गया था। उसके पत्नी और बच्चे मर चुके थे, लेकिन उसके पहले से एक नई पत्नी थी। वह महिला हीरों से लदी हुई थी, गहरे कट वाले गाउन में थी जो कि पीठ तक पूरा खुला था और उसकी कमर पूरी तरह से धब्बों से भरी हुई थी। उसकी आवाज़ सूखी और कर्कश थी। वह कहाँ से आई थी, वह कौन थी? निश्चित रूप से वह कोई संत नहीं थी। उसका पहला पति ठग था जिसने बहुत पैसे इकट्ठा किया और फिर मर गया। कैसे? कैंसर से। कहाँ? पेट में। मतलब वो बातें चल रही थी, एक दूसरे के बारे में बता रहे थे डिटेल सब। पहले आपके पास खाने को कुछ नहीं होता था, फिर आप खाने योग्य नहीं रहते। एक आदमी लगा था दूसरे पति के लिए कार्य कर रहा है, वो धन कमाता और दूसरा पति उसका उपयोग करता है। जीवन आखिर क्या है? कब्र पर एक रहते हैं। हाँ, लेकिन जब तक आप खेल खेल रहे हो आपके नियमों का पालन करना है। डॉक्टर मागुलिन, आप क्यों नहीं नाच रहे हो? आप अजनबियों के मध्य में नहीं हो, हम सब एक ही ज़मीन पे हैं। वहाँ पर आप एक डॉक्टर नहीं थे, वहाँ आप सिर्फ शायद डोविट थे, यहूदी कानून में दक्ष अध्यापक के पुत्र। इससे पहले कि आप इसे जाने, हम सब एक दूसरे से के बराबर पड़े होंगे। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टूडेज क्लास। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन पार्ट 3। थैंक यू।